प्यार, दोस्ती और फिर हत्या, हर रोज इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। इन वारदातों ने खून की कीमत आज इतनी सस्ती कर दी है कि एक केस सुलझता नहीं उससे पहले ही दूसरा मामला सामने आ जाता है। लगातार इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हत्या करने के तरीके से लेकर अपराध एक ही है, लेकिन आपको मीडिया कवरेज में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। पहले श्रद्धा मर्डर केस पर आते हैं। जैसे जैसे इस केस में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब अमीन पुणेवाला की गिरफ्तारी के बाद पहले जंग उसके नाम, उसके धर्म को लेकर चल रही थी, और अब उसके मंसूबों को एक अलग ही कहानी से लाग लपेट किया जा रहा है मीडिया कवरेज में। वहीं ट्विटर पर भी इस मामले को लेकर यूजर्स के बीच में कहासुनी हो रही है हर रोज। फायर ब्रांड हिंदू नेत्री डॉक्टर प्राची साध्वी श्रद्धा मर्डर केस पर लिखती हैं, श्रद्धा दलित थी लेकिन सारे दलित एक्टिविस्ट आश्चर्यजनक रूप से चुप हैं, क्योंकि कातिल अफजल था। प्रोफेसर दिलीप मंडल साध्वी प्राची के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, आरोपी अरेस्ट है, दिल्ली पुलिस काम कर रही है, दोष सिद्ध होते ही फांसी या फिर उम्र कैद होगी। अब लोग क्या करें, नाचे? हल्ला तब किया जाता है जब पुलिस केस खराब करती है, जैसा हाथरस में हुआ, या जब मामला दबाती है, जैसा रोहित वेमुला में हुआ, या केस बिगाड़ती है, जैसा डेल्टा मेघवाल केस में हुआ। इसके बाद डॉक्टर प्राची साध्वी भी कहां चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी उनका जवाब देते हुए लिखा, एक काम करिए, दलित बहनों को ही अब्दुल के बारे में बताइए कि वो कैसा है, सूटकेस और फ्रिज के किस्से बताइए, जागरूकता अभियान चलाइए, नहीं चलाएंगे आप क्योंकि आरोपी आफताब है। इसके बाद प्रोफेसर दिलीप मंडल ने जवाब देते हुए कहा, हमें दलित बहनों की निर्णय क्षमता और उनके विवेक पर पूरा भरोसा है, हम हेडमास्टर नहीं लगे हैं उनके, हम तो ब्राह्मण मामलों के विशेषज्ञ हैं। दिलीप मंडल के ट्वीट का समर्थन करते हुए रविंद्र राणे नाम के ट्विटर यूजर साध्वी प्राची को जवाब देते हुए लिखते हैं, वो साध्वी प्राची अनुसूचित जाति से है, यानी कि श्रद्धा के लिए बात हो रही है, उसने अनुसूचित जाति की श्रद्धा के लिए रास्ते पर आना चाहिए। वैसे हाथरस के मामलों में चुप थी क्योंकि अत्याचार करने वाले स्वर्ण थे। उसके बाद अन्य ट्विटर यूजर भी एक्टिव होते हुए नजर आए और साध्वी प्राची को करारे जवाब देने लगे। फ्रीडम नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, चाची आरोपी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसके धर्म जाति के आधार पर उसको नफरत का आधार ना बनाकर और नफरत का व्यापार करना आपको श्रेणी में ला कर रख देता है। हर रोज घिनौने अपराध हो रहे हैं, लेकिन विरोध अपने एजेंडा को सूट करे सिर्फ उसी अपराधी का हो, ये तो दुष्टता है चाची। आशुतोष वर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने आंकड़ों के साथ प्राची साध्वी की क्लास लगा दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पिछले साल 6800 दहेज हत्याओं के केस दर्ज हुए, सही संख्या का अंदाजा आप लगा लीजिए, लगभग सभी स्वधर्मी स्वजातीय अरेंज्ड शादियां थी, मंत्रोच्चार के साथ 4.5 लाख घरेलू हिंसा के केस हैं, तो तय कीजिए कि किन मामलों में बोलना है, हर मामले में बोलिए, साधु में संभाव का गुण जरूरी है। अब आते हैं मध्य प्रदेश मर्डर केस पर। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के जबलपुर के मेखला रिजॉर्ट में 22 साल की शिल्पा झाझरिया नाम की लड़की का मर्डर होता है। इस घटना से जुड़ी 12 नवंबर को एक खौफनाक वीडियो सामने आती है, जिससे पता चलता है कि एक सिरफिरे आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी व्यक्ति वीडियो में कहता है कि बेवफाई नहीं करने का। मारने का तरीका इस आदमी का आफताब की ही तरह सेम था, नाम था अभिजीत पाटीदार। लेकिन वीडियो आफताब की गिरफ्तारी के बाद जमकर वायरल होती है और सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है कि यह किसी मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की के साथ किया है। जब सच सामने आता है तो जो लोग इस घटिया आदमी को पहले मुस्लिम समझकर गाली दे रहे होते हैं, वो सब शांत बैठ जाते हैं। प्राची साध्वी जो श्रद्धा मर्डर केस पर हर रोज नियमित रूप से ट्वीट करती हैं, वो एक भी शब्द इस व्यक्ति के लिए नहीं कहती। आप क्या सोचते हैं पूरे इस मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और आगे ये जानकारी शेयर करें।